करेला करी बनाने के लिए मैंने करेले ले लिए हैं और इनको कट कर लेंगे सबसे पहले। हाँ इसको मुझे आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले इसी को कट कर लेते हैं। करेले सभी कट गए हैं, ये मीडियम साइज के चार करेले मैंने लिए हैं। अब इनके बीज हम निकाल देंगे सब। करेले की सब्जी कई तरीके से बनती है, लेकिन ये करी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे, इसमें नमक मिक्स करके। अब सभी बीज निकल गए हैं इसके, अब इसमें हम नमक मिक्स करेंगे। इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक बाकी तैयारी करते हैं। आधे घंटे हो गए हैं और ये करेले सॉफ्ट हो गए हैं बहुत, और पानी भी रिलीज़ किए हैं। अब इसको धो लेंगे, धो करके बनाएंगे। तब तक ये पैन रख दिया है मैंने, मसाले रोस्ट कर लेते हैं। इसका मसाला थोड़ा अलग बनेगा, ये 1 टेबल स्पून मैंने मूंगफली लिया है। सभी चीजें 1 टेबल स्पून ही है। ये चने है, चने की दाल, उड़द दाल, आधा टीस्पून मेथी, वन टेबल स्पून धनिया, आधा टेबल स्पून जीरा, सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना है। इसमें 10-12 दाने काली मिर्च डालेंगे और ये 3 लाल मिर्च। ये मिर्चें तीखी वाले ही, काफ़ी तीखी होती है ये मिर्चें। सब चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको हम पीस लेते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार हो गया पीस के, इसको रख देते हैं। अब जार लेकर के, ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और ये 10-12 कली लहसुन की है, इसको डाल देंगे। और इसको भी हमें पीस लेना है। पैन रख दिया है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल है ये। इसमें करेले डाल देंगे।
करेले फ्राई हो गए हैं थोड़े से, इनको निकाल लेते हैं बाहर। थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाल देंगे। कटी हुई अदरक है ये, छोटे चम्मच हींग आदि, प्याज लहसुन का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो डाल देंगे। प्याज अच्छे से भून गई है, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, एक बड़े साइज का टमाटर लिया है इसको डाल देंगे, ये चौथाई कप मैंने दही लिया है इसको इसमें यूज़ करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें बेसन डालेंगे क्योंकि दही को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, कभी कभी फट जाती है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ये कलर के लिए है, मसाला भून गया है थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, और इसमें करेले जो रखे हैं फ्राई करके वो डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इसको ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चार मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर देते हैं। जो मसाला मैंने तैयार किए हैं उसमें से डाल देते हैं। इसको 2 टेबल स्पून यूज करेंगे हम। गैस को मीडियम पे करके 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। करेला करी बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स, इसको एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी होता है खाने में। और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।